हाँ बल्कि बोलो। कंग्रेचुलेशंस, आज तुम्हारी जिंदगी की एक नई शुरुआत है, ग्रैंड शुरुआत। वैसे आज तुम इस ब्लेजर में बहुत अच्छे लग रहे हो। बल्कि को कैसे पता कि मैंने कौन सा ब्लेजर पहना है? वैसे तुम कभी मुझे कुछ बताते नहीं हो, लेकिन आज तो तुम कह सकते हो ना। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझे मिस करते हो? ये क्या हूं कर रहे हो, बोलो ना। वो जवाब दे दो, कब से बेचारी पूछ रही है। बोलो कुछ, हाँ या ना में कुछ तो जवाब दो। वो क्या हूँ मैं क्या वो रही। वो देखो वहां पर, वो रही तुम्हारी पलकी। हाय, तुम्हारे फोन का वॉल्यूम बहुत लाउड है, तुम जो बातें कर रहे हो सब सुनाई दे रहा है मुझे। तो बेचारी कब से पूछ रही है तुमसे, तुम उसे पसंद करते हो नहीं करते हो, तुम उससे प्यार करते हो नहीं करते हो, पूछ रही है, जवाब दो ना। हाँ, प्यार करते हो पसंद करते हो उसे, खुल के बोलो। एनीवे, डोंट गेट एम्बैरेस्ड। मेरे पास है सॉल्यूशन, मैं ये ईयरपॉड पहन लेता हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। थैंक यू। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है, मैं बहुत खुश हूँ, वेरी हैप्पी। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बात बता दूं कि माना कि आप सब लोग मेरा ऑफिस स्टाफ हैं, लेकिन कभी भी मैंने आपको अपना ऑफिस स्टाफ नहीं माना, अपना फैमिली मेंबर माना है। मेरी दो फैमिलीज हैं, एक फैमिली वो है जो घर पर रहती है और एक फैमिली वो है जो मेरे ऑफिस में रहती है। और एक बात आपको बता दूं कि आज हमारी ऑफिस वाली फैमिली में एक नया मेंबर जुड़ने जा रहा है, आवर न्यू CEO मिस्टर राजवीर अरोड़ा। वैसे तो आप सब लोग कल पार्टी में मौजूद थे जब मैंने अनाउंस किया था कि हमारी कंपनी का नया CEO कौन होगा, लेकिन आज ऑफिशियली आप सबके सामने मैं अनाउंस कर रहा हूं कि लूथरा इंडस्ट्रीज का नया CEO है मिस्टर राजवीर अरोड़ा। प्लीज वेलकम हिम। शौर्य नाराज है, इससे बाद में बात करता हूँ। मैं करण में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, करण और मेरे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है और कभी नहीं होगा। मैंने करण से कुछ नहीं कहा, मैंने करण पे कोई जादू नहीं किया है, ना ही मैंने करण को राजवीर को CEO बनाने के लिए कहा, मैंने तो उसे शौर्य को CEO बनाने के लिए कहा था। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, एक काम करो, तुम ना करण से दूर रहो। ठीक है, अगर यही तुम चाहती हो और इसमें तुम खुश हो, और अगर मैं ऐसा करूंगी तो तुम शौर्य और मासूम बच्चों के दिमाग में मेरे खिलाफ जहर भरना बंद कर दोगी, तो मैं ऐसा ही करूंगी। मैं भी नहीं चाहती हूं निधि कि पति पत्नी के बीच में मेरी वजह से कोई गलत फहमी आए। कूल, मान ली तुम्हारी बात। निधि, नाउ व्हाट? मैंने तुम्हारी बात मान ली तो तुम भी तो एक काम करो, प्लीज
शौर्य से बात करो क्योंकि वो तुम्हारी बात सुनता है, तुम्हारी बात मानता है। तुमने उससे जो कुछ भी झूठ कहा है, उसके दिल में मेरे खिलाफ जो भी जहर भरा है, प्लीज उसको बोलो कि ये सब गलत है। मैंने करण से कुछ भी नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि राजवीर को सीईओ बनाओ, मैंने कभी नहीं कहा, उसे बोलो तुम। सी इनफ ऑफ दिस सीईओ चैप्टर, आई एम डन विद इट। और शौर्य से क्या कहना है क्या नहीं कहना है वो ना मैं डिसाइड करूंगी, तुम मुझे मत बताओ। एंड वैसे भी आई बिलीव करण को डेफिनेटली तुमने ही प्रोवोक किया था कि वो राजवीर को सीईओ बनाए। नहीं निधि, तुम गलत समझ रही हो। मैंने करण से बिल्कुल नहीं कहा और राजवीर को ये पोस्ट मिली है, इससे मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई है। इनफैक्ट अगर ये पोस्ट शौर्य को मिलती तो मैं बहुत खुश होती, मैं उसे सिर्फ खुश देखना चाहती हूँ। रियली? तुम शौर्य को खुश देखना चाहती हो? अगर शौर्य को खुश देखना चाहती हो ना तो सुनो मेरी बात, शौर्य तभी खुश होगा जब उसकी ये मॉम खुश होगी। और अगर तुम उसकी खुशी चाहती हो तो फिर एक काम करो, मुझे एक प्रॉमिस करो। कौन सा प्रॉमिस? तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि ना ही तुम करण से प्यार करोगी और ना ही करण को करने दोगी। आई प्रॉमिस। तुम कितनी अजीब हो निधि, जब मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ना कुछ ऐसा है। नहीं होगा तो ठीक है, करो प्रॉमिस, करो प्रॉमिस कि तुम करण से दूर रहोगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम अपने प्रॉमिसेस निभाती हो। हाँ थैंक्स ये बोलने के लिए कि मैं अपना वादा निभाती हूँ, क्योंकि मैं एक बार वादा करती हूँ तो निभाती हूँ। ओके आई प्रॉमिस, तुम जो चाहती हो निधि वही होगा। होना भी वही चाहिए।